समस्या यही बहन के मर्डर कर दिया, इसके बाद फ़ोन नहीं किया उसने। साइड से हमको मालूम हुआ तो हम लोग गए, जब तक लाश जला दिया था। किस कारण इसको इनके साथ मतलब इस तरीके का हत्या की गई है? ये हत्या की गई थी कि दहेज प्रथा कुछ बकाया रह गया था, उसके मतलब से हम अपने मतलब से तो दे दिए थे उसको। क्या बाकी रह गया था? बाकी दे दिए थे उसको जो है ऐसे 50,000 रुपया दिए थे, एक बार सोना दिए थे, बाकी रह गया था एक भैंस 50,000 रुपया। इसलिए जुर्म करता था वो, तीनों चारों भाई सास ससुर सब जुर्म करता था। सावन में गए बुलाने तो उसने जो है से नहीं आने दिया, गाली गलौज किया, वहाँ से चले आए। और कल की रात में जो है 14 तारीख के उसने घटना कर दिया रात में, मेरे फोन भी नहीं किया। मालूम है जब तक गए तब तक जला दिया था। वो अपने गेस्ट को सबको बुला लिया था, हम लोगों को फोन भी नहीं किया। हमारा पता चलल, हम तीनों मुड़ते रहे खेत में धान के बिछन उखाड़े, 10 बजे टाइम रहे तो हमरा कोई पड़ोसी आदमी हितलब रहे तो एक ना अलग तो हमरा फोन कलक बेटा पर, कहाँ के बेटी के मार के घर में लाश रखले है, डर से उठा ना रहल है। तो यहाँ से हम जौले जाई जाई तौले विजय बैठा, विजय बैठा के पत्नी रेणु देवी जाके लाश फूकवा दिया, लाश फूकवा दिया। हम पीठ पर पहुँचा, हम उसको घर में गया, घर हमको भवा के लागा, हम दोनों प्राणी अपना बच्चा के खोजने लगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी बता ना सका। एगो बच्चा बताया कि जे यही पानी में है, लाश ले गया है, पानी रहे डूबा। हम टपे लकैली तो कोई पड़ोसी कहलक जे नहीं जाइए, जे पानी में आप डूब जाएगा। हमको पति देव धोती खोल के हमको फेंक दिया, अंडर पैंट पहन के गया उस पार में, लाश धराहित रहा, असगर रहा। हमको उनको से कुछ न हुआ, हमको बेटा गया थाना गया, हमको जाऊत बेटा पानी में टपा, थाना वहाँ रुका, थाना रुका तो थाना बोलता है कि जे इसमें एगो नाव चाहिए, लेकिन पानी था इसके कारण नहीं जा पहुँचे। तो हम लोग गए वहाँ पर, बोले कि प्रशासन बोले कि जाओ लाश के पास, देखो जल गया है, इसका केस बनेगा, जला भी दिया है। तो वो बड़का नाती के बड़ी जरूरी रहे जो हम कनका मुँह देखम, बेटी के मरलो मुँह न देख ली तो हम नाती के देखम, नाती के चुरा ले। 10 बजे के पहुँचल हमको नाती, 4 बजे में हमको तो वह नाती के हमको लाया। तो हम पूछा बउआ जो बउआ के कैसे मारा है मम्मी के, तो नाती बोला जो हमको मम्मी के दाई लोहिया से मार दिया, बाबा ना कंठ पर लात धर दिया। कहूँ धुआं ना बउआ के देख लीजिए, धुआं कहाँ हूँ जिम कहूँ ना देख लीजिए। जय तना देला के ये पशु पलावा हमारा बउआ के अभी तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं है जी। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि उसको ऐसे ऐसे जुर्म करने वालों को कड़ी सजा मिलना चाहिए, और बच्चा का जो है जो लाभ होता है वो मिलना चाहिए। कितने बच्चे हैं इनको? 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है, 1 है 3 साल का, 1 है 6-7 महीने का। सर अब तक थाने से कार्रवाई उनके प्रति क्या हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? केस जो है होने जा रहा है जी, और इसका जो है हम लोग चूँकि यहाँ से सभी भागे हुए हैं और इसमें सुपरविजर आने के थी हुआ, जैसे आदेश होगा हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे। ओके ठीक है सर, उनके ऊपर क्या धारा लगाई गई? धारा लगा है, धारा है 304B, 201, 120B, 34 भाग। अब तक सर कब तक उम्मीद है कि उन लोगों को गिरफ्तारी हो जाएगी? अभी मिलेगा, अभी गिरफ्तार कर देंगे, क्योंकि है नहीं वो मतलब टोटल घर बंद है उसका, यहाँ कोई है भी नहीं, उसी तारीख से हम लोग गिरफ्तार किए, उसके प्रयास में है, और गिरफ्तार तो यहाँ है भी नहीं, कोई भी नहीं है, आदि गई हम कोई भी नहीं।
जो भी इस प्रकार के दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए ताकि वो अगला इस तरीके की हरकत करने से काफ़ी बार सोच सके। इसलिए मैं सहिहारा थाना प्रभारी का नंबर है 85 40 82 67 26 इस पर कॉल करके उनके सास ससुर को सजा दिलवाने में उन समुदायिक और हमारी मदद करें। मैं गुड्डी जिला सीतामढ़ी बिहार से इंडिया अनहट के लिए।